हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टीचर वैकेंसीज की। जितने भी अपडेट आए हैं आज के जिलों में उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुंगेली जिले में, आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर 10 महीने के लिए आया अटेंडेंट की नियुक्ति की जा रही है। तो इसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं नियम शर्तें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये शॉर्ट में आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है और यहाँ से आप लोग 22 अक्टूबर तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी समग्र जिला मुंगेली में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता की जो इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, कल छुरा कर यहाँ पे आया था गरियाबंद पे, बट आज यहाँ पर और भी जो अदर डिस्ट्रिक्ट थे, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, फिंगेश्वर, यहाँ पे गरियाबंद जिले के अलग अलग जो विकास खंड थे उसमें यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है आप लोगों के इंटरव्यू के लिए वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ से आप लोग लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो गरियाबंद की ये अपडेट थी। नाउ अगर हम बात करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, बस्तर की, तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से फिर से जो छूट गए थे पद, जो रिक्त रह गए थे बचे हुए स्वामी आत्मानंद में भर्ती प्रक्रिया के बाद, तो यहाँ पर फिर से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भर कर उसी दिन यहाँ पर उपस्थित होना है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ही यहाँ पर आप लोगों को चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट और कितने पोस्ट यहाँ पे बाकी थे, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के यहाँ पे 2 पोस्ट थे अनुसूचित जनजाति के, देन उसके बाद शिक्षक विज्ञान के यहाँ पे 9 पोस्ट बाकी है अनुसूचित जनजाति के, उसके बाद संविदा सहायक शिक्षक कला के लिए 1 अनारक्षित और 6 यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के पोस्ट हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से इंटरव्यू के दिशा निर्देश जो 12 तारीख को हैं, संविदा व्याख्याता यहाँ पे 2, वाणिज्य के लिए अनुसूचित जनजाति और संविदा सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 9 को है, 9 पोस्ट है। ये 12 तारीख को यहाँ पे आप लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे और वॉक इन इंटरव्यू का टाइमिंग है 11 बजे से 12 बजे। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्मेट इस पे दिया हुआ है उसको भर कर यहाँ पे उपस्थित होते हैं, देन 1 से 2 बजे के बीच आप लोगों का पात्र पात्र की लिस्ट आएगी, 2 से 4 बजे तक पात्र अभ्यर्थियों का यहाँ पे साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा और 5 बजे अंतिम सूची यहाँ जारी कर दी जाएगी। उसी तरीके से संविदा सहायक शिक्षक कला के 1 और अनारक्षित के लिए, और बाकी जो है 6 पोस्ट यहाँ अनुसूचित जनजाति के थे तो उसके लिए इंटरव्यू 13 तारीख को रखा गया है और टाइमिंग सेम रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पे नियम और शर्तें लिखी हुई है, पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है और ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट जिस दिन इंटरव्यू है वहीं पे आप लोगों को पहुँचना है और उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू यहाँ आयोजित किया जाएगा, वहाँ पे आपको अटेम्प्ट कर लेना है। और इसके लिए सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मैंने आप लोगों को कई बार बताया दोस्तों, तो आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आज टाइम कम है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर गौरेला पिंडरा मरवाही के लिए जो टीचर वैकेंसी अपडेट है आज की वो ये है, जो आपके यहाँ पर इंटरव्यू की डेट आई है और इंटरव्यू की डेट यहाँ पर जो आई है वो है आपके ग्रंथपाल के लिए, यहाँ पर अंतिम सूची आई है और ग्रंथपाल के पद पर साक्षात्कार हेतु यहाँ पर जो है आपके 11 तारीख को इंटरव्यू है और उसके लिए यहाँ पे लिस्ट निकाली गई है। समय स्थान यहाँ देख लेंगे, शासकीय बहुउच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा में आयोजित किया जाएगा 11 बजे से, और यहाँ से कैंडिडेट के नाम की लिस्ट देखी जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया हो। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें स्वामी आत्मानंद वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट के लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।